मेरा नाम है अब्दुल शेख और आप देख रहे हैं मिस्टर अब्दुल शेख चैनल। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर प्रैक्टिकल से रिकॉर्डिंग वीडियोस आती है, तो आज का जो हमारा प्रोडक्ट है वो है O2। थोड़े दिन पहले मैंने एक O2 की वीडियो बनाई थी जो आपने बहुत अच्छा प्यार दिया। सेम लेंस है ये लेंस, मैं आपको फिर बता दूँ, बजट के अंदर बहुत अच्छा क्वालिटी वाला लेंस है। और ये जो लेंस है, जो पहले वाला O2 वाला लेंस था, और इस लेंस में क्या फ़र्क है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सब कुछ सेम है, सारे फीचर सेम रहने वाले हैं, सब कुछ डिज़ाइन वन सब कुछ सेम, सारा सेगमेंट सेम है, लेकिन इसके अंदर जो फीचर्स ऐड किए गए वो दो चीज़ मैं आपको बता दूँ। पहला, अगर आप में से कोई भी रिमलेस फ्रेम लेंसेज यूज़ करते हो तो ये लेंस सिर्फ उनके लिए है। सेमी फ्रेम, हाफ फ्रेम वाले या फुल फ्रेम वाले इसको बाय ना करें, इसके चक्कर में वो आपको फिर से कोई चीट कर देगा। तो क्या करना है इसके अंदर, O2 की होने वाली है ब्रांडिंग। दूसरा, इस लेंस के ऊपर कोई फॉग आईडी आता नहीं है, ये मैं पहले क्लियर कर दूं कि कई बार आप कहते हो कि फॉग आईडी क्यों नहीं आ रहा। अनब्रेकेबल ये लेंस है, मतलब ये टूट नहीं सकता है किसी भी कीमत पर। जी हाँ, अगर आप जैसे चश्मा रिमलेस लेते हो, कईयों की बहुत प्रॉब्लम होती है कि यार टूट जाता है, तो ये टूटेगा नहीं। दूसरा, ये पॉलीकार्बोनेट प्लस अनब्रेकेबल लेंस है। एक चीज़ पॉलीकार्बोनेट में रहती है, ये भी मैं आपको बता दूं, जो कमी है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, फ़ायदा बाद में बताता हूँ। कमी इसके अंदर एक चीज़ होती है कि इसकी जो कोटिंग होती है ना पॉलीकार्बोनेट, चाहे आप किसी भी मल्टीनेशनल ब्रांड का ले लो, कोई भी ब्रांड का ले लो, पॉलीकार्बोनेट के अंदर कोटिंग की प्रॉब्लम रहती रहती है। कोटिंग उसका ख़राब हो गई होगा, उस चीज़ से आप बेफिक्र मत रहना, उस चीज़ को आप नोट करके चलना कि ये जो पॉलीकार्बोनेट चाहे कोई भी ब्रांड होता है उसकी कोटिंग ज़रूर ख़राब होगी, ठीक है। तो ये इसके अंदर एक माइनस पॉइंट। और एक और कमी है माइनर सी, जो मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए। पहले O2 के अंदर क्या था कि येलो पेन नहीं आता था, लेकिन अब इसके अंदर क्या किया कंपनी ने कि बहुत लाइटली सा 3 से 4% पीलापन अब सभी O2 के लेंसेज में आने लग गए हैं। पता नहीं क्यों, पहले तो नहीं आता था लेकिन अब आ रहा है। आप ये देख सकते हो हल्का सा मुझे जो लगता है इसके अंदर वो पीलापन थोड़ा सा इसमें उसने डाला हुआ है। अभी आप आते हैं इसकी खूबी के ऊपर। डुअल कोटिंग है लेंस होने वाला है, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो इसके अंदर ब्लू प्लस ग्रीन कलर की कोटिंग होने, ब्लू प्लस ग्रीन कलर की इसके अंदर कोटिंग होने वाली है। दूसरा, वन साइड इसका होगा ब्लू कलर और वन साइड होगा इसका ग्रीन कलर, और ये रिमलेस फ्रेम में ही लगेगा। रिमलेस फ्रेम के बगैर वाले कोई इसको बाय ना करें, अगर कोई विदाउट रिमलेस वाला लेता है तो उसके लिए वेस्ट ऑफ मनी है। उसके लिए नॉर्मल जो, अगर आपका रिमलेस फ्रेम नहीं है तो आप इसको मत लेना, ये वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है पुराने वाले O2 से, सिर्फ रिमलेस के लिए है। अगर विदाउट रिमलेस आप ले लें तो जो पहले वाला O2 है सिर्फ वही बाय करना। 1.56 इंडेक्स के अंदर मैंने आपको दिखाया था, पॉलीकार्बोनेट का जो इंडेक्स रहता है वो रहता है 1.59। तो जो भी 5.9 के इंडेक्स के अंदर अगर आपको कोई भी लेंस दे रहा है तो समझ लेना रिमलेस के लिए ही है, फुल फ्रेम के लिए नहीं है। तो फुल फ्रेम में उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिमलेस में लें। अगर कोई भी शॉपकीपर आपको ना ये कहता है कि पतला हो जाएगा, तो पतला होने से बेटर है 1.60 ले लेना, पॉलीकार्बोनेट मत लेना, क्योंकि उसके अंदर कोटिंग की प्रॉब्लम आती ही आती है। विद इन 6 मंथ के बाद वो कोटिंग ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ये थी इस लेंस की थोड़ी सी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मुझे पास एक लेंस आया हुआ था, टाइम था, मैंने बना दिया वीडियो। आप लोग ज़्यादा समझदार हो, ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको पता है कौन सा लेंस आपकी आंखों के लिए बढ़िया होगा, कौन सा लेंस आपको लेना चाहिए। मेरा काम है एक आपको सीरीज़ दिखा देना ताकि आपको इसके अंदर फीचर्स और सारी चीज़ें मिल जाए। तो कुछ इस टाइप का होगा ये रैपर, और सेम चीज़ है O2 के साथ जो एसेसरीज आती है वो ये सारी की सारी एसेसरीज इसके साथ भी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को करता हूँ यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को जब जानने लगना ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक शेयर। अगर कोई भी आपका फ्रेंड जिसका चश्मा बनवाता हो या कोई भी पहनता हो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना ताकि उसकी कोई हेल्प हो सके, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।